हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रशेस। और आज हम आ चुके हैं फ़ोन स्टैंड मेकिंग के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 6 मंथ होने आए लगभग जब से स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ये लॉकडाउन है। वैसे ये सबके लिए, बट ज़्यादातर जगहें खुल चुकी हैं, बट स्टूडेंट्स अब तक घर पे ही हैं। और जैसे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, दोनों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो अपना फ़ोन नहीं रख पाते ठीक से, और उसके लिए फिर वो परचेज करने जाते हैं तो महंगे स्टैंड आते हैं। मतलब एटलीस्ट वो 300 to 400 के तो आते ही, पर जबकि आप इसे लगभग 3 रुपीज़ में बना सकते हैं, ओनली इन 3 रुपीज़। लाइक दिस पोर्टेबल स्टैंड है, कहीं भी ले जा सकते हैं इसे आराम से। अलग अलग डिज़ाइन आप अपने मन से कस्टम बना सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं और शुरुआत करते हैं, लेट्स रोल इट। सो गाइस, ये हम लेके आ गए हैं एक 8x8 इंचेस का पेपर। आप इसे कोई सा भी पेपर के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने देखिए इसे एज अ प्रोजेक्ट पेपर लिया है मैंने। ये हर एक स्टूडेंट और टीचर के पास होता ही है। टीचर्स के पास पुराने सालों के होते हैं और स्टूडेंट्स के पास तो ऑफकोर्स प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनके पास ये होता ही है। तो इससे हम एक फ़ोन स्टैंड बनाएंगे विदाउट कटिंग और पेस्टिंग। हम कुछ काटा पिटी नहीं कर रहे हैं, सीधा इससे क्राफ्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें पहली नोटिंग तो ये है कि आपको हर एक जो फोल्ड करना होगा वो प्रॉपर होना चाहिए और अलाइंड होना चाहिए और वो क्रिस्प होना चाहिए, लाइक दिस। फर्स्ट फोल्ड हम ऐसे करेंगे कि इस एरिया को इससे अलाइन करेंगे, मतलब इसे हाफ में डिवाइड कर देंगे, लाइक दिस। देखिए अलाइन इसके प्रॉपर रखना है। ये अलाइनमेंट के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आपने अलाइनमेंट और फोल्ड्स को ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर, देन आपका जो ये स्टैंड बनेगा वो स्टेबल नहीं बनेगा। कुछ हद तक हो सकता है बट ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। फिर इन फोल्ड्स के करने के बाद आपको इन्हें क्रिस्प देना है किसी ऐसे स्केल के शार्प एज से या फिर आपके खुद के अंगूठे से। जस्ट नेल से प्रेशर देना इधर, जिससे फोल्ड ऐसे क्रिस्प हो जाएंगे इस तरह से। और अगर उसमें आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो जस्ट इसे इस तरह चलाना है 2-3 बार, इजीली क्रिस्प फोल्ड्स आपको मिल जाएंगे इससे। सो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है, अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। ये हमने हाफ फोल्ड कर दिया है। अब हमें सेम चीज़ ऐसे रिपीट करनी है, किसी भी एक साइड को वापस हाफ फोल्ड करना है। मैं ये साइड चूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसे यहाँ से हाफ फोल्ड कर दूँगा, लाइक दिस। इस मिडल पॉइंट, इस मिडल लाइन से हमें अलाइन करना है इसे, ताकि हमें एग्जैक्ट और अच्छा हाफ मिल जाए। इसे हमने पहले फिंगर से थोड़ा टच दे दिए, अब इसे शार्प कर। सो हमने इस साइड को हाफ कर दिया है, अब दूसरी साइड को भी कर देते हैं। तो ऐसा करके हम बेसिकली एक डबल डोर बना रहे हैं, एक तरह से एक डबल डोर बना रहे हैं। इस पे अलाइनमेंट का ध्यान रखिएगा बिकॉज अलाइनमेंट ऑफ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी ऑफ होगी तो चल जाएगा बट ज़्यादा नहीं। सो हमने बेसिकली एक डबल डोर बना दिया है ऐसा। तो अब हम इसे फ्लिप कर देंगे, लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पे शार्प और क्रिस्प एज थी तो ये ऐसी लाइन बन गई है। तो अब हमें इसे वर्टिकली हाफ करना है, ऐसे वर्टिकली। सो इसे हम लोग डायरेक्ट इधर की तरफ घुमा देंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ गाइस, अलाइनमेंट का ध्यान हमेशा रखना,
बिकॉज ये एक ओरिगेमी टाइप आर्ट है, तो इसमें अगर आप कट पेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको अलाइनमेंट तो ध्यान रखनी होगी। शार्प कर देंगे हमें, इस एज से मिलाएंगे इस तरह से। ये ओपनिंग साइड है, ठीक है, इस ओपनिंग साइड से इस तरह से यहाँ पर एज अलाइंड, फिर अदर कॉर्नर्स, फिर एक प्रॉपर प्रेस देना और उसके बाद इसे क्रिस्प कर देंगे। आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ ना कर लें वरना पेपर फट जाएगा। जस्ट लाइक जो थोड़ा सा ही शार्प हो बस, और एक्यूरेटली से फोल्ड कर दें। तो हमने इसे यहाँ से फोल्ड कर दिया लाइक दिस। अब हम इस पेपर को फ्लिप करके इस पे करनी है, जस्ट लाइक दिस। ओपनिंग साइड ली, इस एज को इस एज से अलाइन किया लाइक दिस। There you go. So यहाँ से ही बन गया। अब इस एज को इस एज से अलाइन करेंगे। अलाइन कर दिया, अब इधर से फोल्ड। तो अब यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही क्रॉस पैटर्न देखने मिल गया। हमें इधर एक ऐसा पैटर्न देखने मिल चुका है। सो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें से कोई भी एक साइड को लेकर, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों एजेस को, कि नहीं इन एजेस को लेकर हम अंदर की तरफ पुश करेंगे लाइक दिस। कुछ ऐसी हो जाएंगी ये एजेस, यहाँ से इसे पकड़िएगा। और पेपर ज़्यादा पतला है इसके लिए आपको इसे होल्ड करना होगा, कैसे मैं बताता हूँ, लाइक दिस, इस तरह से आपको इसे होल्ड करना है। देन ये जो पार्ट है इधर का, इसको थोड़ा सा प्रेस करना है इस तरफ से और अंदर की तरफ घुमा देना है, ठीक है। लाइक दिस, देयर यू गो। सो हमने इस टाइप के एक पैटर्न को क्रिएट कर दिया है। वेट अ सेकेंड, आई विल शो यू लाइक दिस। सो अब हम ये करेंगे कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से अलाइन करेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि फोल्ड ज़्यादा होंगे तो आपका प्रेशर भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का पेपर यूज़ कर रहे हैं, कि वो ज़्यादा मोटा है या थोड़ा ज़्यादा पतला है। ऑप्टिमम यूज़ करेंगे जो ज़्यादा मोटा भी नहीं हो, ज़्यादा पतला भी नहीं हो, देन आपको ज़रा सा ही प्रेशर लगाना होगा, उतना भी नहीं, बट नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा तो हर एक में ही लगेगा। अगर आप बहुत मोटा पेपर यूज़ कर रहे हैं तो आप
मैं सजेस्ट करूँगा थंब से तो आपसे ये नहीं होगा, तो इसके लिए आप ऐसी कोई एक चीज़ ले लें जस्ट एज अ स्केल थिंग। सो अब हमने इसे ऐसे अलाइन कर दिया है, अब हम इसे ओपन करेंगे वापस उसी तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें मिल गया है एक स्क्वायर शेप, इस स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर शेप मिल गया है हमें। सो इसकी एजेस थोड़ी कम शार्प हैं एज कम्पेयर टू दिस टाइप ऑफ एजेस, ये इसलिए क्योंकि फोल्ड ज़्यादा थे उधर। अब आप उसे भी सही कर सकते हैं, जस्ट इन एजेस को थोड़ा सा पुश करिए लाइक इस तरह से आप कर सकते हैं इसे, एजेस की तरफ फोल्ड बनाइए ऐसा, और इसे जस्ट पिंच करिए, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस हल्का हल्का पिंच करना है। अदर साइड्स पे भी सेम। इस तरह से हमने इसे प्रोमिनेंट कर दिया है। तो अब अगर हम इसे फ्लिप करते हैं तब हमें हम देखेंगे कि यहाँ से एक प्रोमिनेंट कैविटी टाइप बन गई स्क्वायर शेप की इस तरह से। तो अब हमें इसका एडवांटेज लेना कि अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो हम वापस से सेम प्रोसीजर करेंगे कि इस एज को और इस एज को क्लोज लाएंगे। सो इस साइड को इस बार हम, ये देखिए हम इन दोनों एजेस को क्लोज ला रहे हैं, बट इस बार हम इस डोर को ओपन कर देंगे, सिर्फ एक ही फ्लैप ओपन करना है आपको लाइक दिस। ओके तो अब हम ये वाला जो एज था और ये वाला एज था उन्हें क्लोज लाएंगे इस तरीके से। ये जो एज है ये इधर की तरफ आ जाएगा कुछ ऐसे, वेट अ सेकेंड, ये ऐसे अंदर की तरफ ऐसे पुश करके एडजस्ट करना, तब आप देखेंगे कि ये एक ट्राइंगुलर और पिरामिड शेप ले लेगा। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ बिकॉज ये थोड़ा टफ प्रोसेस है, ये ऐसा रहेगा। तो आपको इसे यहाँ से हल्का पुश देना है लाइक दिस, फिर इन एजेस को इस तरह ले जाना है, फिर इस पार्ट को अंदर की तरफ ऐसे दबा देना है बेस्ट पॉसिबल वे दिखा रहा हूँ। फिर ये कुछ ऐसे टाइप का पिरामिड बन जाएगा इसमें लाइक दिस। अब फिर जो हमने ये फ्लैप खोल के रखा था इसे भी हम क्लोज कर देंगे और उस पिरामिड में ही हम इसे एडजस्ट कर देंगे लाइक दिस। आपके एजेस अगर आपने थोड़े शार्प बनाए होंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, बस थोड़ी सी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अब इस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस पर कुछ कस्टम डिज़ाइंस भी कर सकते हैं, बट पहले इसे बन जाने दीजिए। एक बार ये पूरा क्रिएट हो जाए तब आप इसे वापस ओपन कर सकते हैं। तो इसमें जो एजेस अगर आपने शार्प बनाई हैं तो ये आपके लिए मैपिंग के तौर पर काम आ जाएंगी कि आप इसे वापस बना सकते हैं, और दो तीन बार आप ये क्रिएट करेंगे तो आप इसमें मास्टरी कर ही लेंगे। बस आपको ऐसे दो तीन बनाने, और ऐसे आप कोई कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक हार्ट वाली डिज़ाइन बनाई है और एक रैंडमली एक नॉर्मल सी डिज़ाइन बनाई है। ये मेरा फर्स्ट ट्राई जैसा था। ओके, तो ऐसे कुछ डिज़ाइंस बनेंगे, और इवन ये बनाने के बाद आप इजीली इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। सो बढ़ते हैं हम इसकी तरफ, तो यहाँ देखिए ये कैविटी बन चुकी है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म हो चुका है।
तो अब हम थे किधर। इस पार्ट को भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, बट एक डोर को ओपन करके, जैसे हमने इसमें किया था। ज़्यादा ओपन मत करिएगा वरना इस जगह को थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो जस्ट इतना खोलिए। और इन दोनों एजेस को पास में लाना है, इन दोनों इस फ्लैप के अंदर डालना है, लाइक दिस, थोड़ा एडजस्ट करना है और ऐसे। फिर इसके बाद आपको हल्का सा पुश देना है, सो ये रेडी हो गया है फ़ोन स्टैंड। और ये पोर्टेबल कैसे है मैं ये भी बता दूँ आपको, ठीक है। तो आप इसे जस्ट अपनी पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। आपको इसे पहले ये ऐसा है, इसे फ्लिप करना है और जस्ट इसके एजेस को मैच कर लीजिए। यहाँ पर एक ऐसी लाइन होगी, उस लाइन को थोड़ा प्रेस करिए, लाइक दिस। थोड़ा सा एज शार्प बनाएंगे ना तो हो जाएगा। यहाँ से हो गया। अब यहाँ पे थोड़ी एजेस कमज़ोर लग रही हैं, देखिए शार्प नहीं है, तो ये होता है। जैसे इसे फ्लिप करके ओपन करना है। अब आप चाहें तो इसमें कुछ कस्टम डिज़ाइंस भी डाल सकते हैं। और ये और भी ज़्यादा कूल लगेगा फिर, जैसे कि मैंने इसमें बनाए हुए हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये हार्ट्स का डिज़ाइन है, थोड़ा कीप इट हेयर एंड देन इसका भी सेम प्रोसीजर है। ये एक थोड़े मोटे पेपर से मैंने बनाया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसे भी इसी तरीके से फ्लिप करके खोल सकते हैं एंड देन इट्स रेडी टू यूज, लाइक दिस एंड दिस टाइप ऑफ प्लेस हियर, चिल इन, या चिल इन मैन। सो दिस इज अ थिंग। और अब आप ये स्पीड बेस्ड है, लाइटनिंग बोल्ट्स बनाए मैंने कुछ ऐसे, यहाँ पे हम फोन रखेंगे कुछ इस तरीके से। इसका भी सेम फंड है, इसी तरीके से बंद हो गया, लाइक दिस। और फिर और दो तो हैं ही हमारे पास, ये सब इसी तरीके से आपको काम आएंगे। और क्योंकि अभी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन सबका ज़माना चल ही रहा है, तो क्यों ना हम स्टैंड्स में भी मेक इन इंडिया जैसे ही कुछ कर लें। हाँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ से ही बड़ी चीज़ बनेगी कोई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने स्टूडेंट और टीचर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। टिल देन, शाइन योर ब्रशेज विद ब्रिलियंट ब्रशेज़।